Yes. Let's see how much of magnetic that you. पांच मिनट देता हूँ पढ़ना है और अगर आंसर्स नहीं आते हैं तो देख लो आपको बेसिक्स कितना आ रहा है. I'll just be asking you basic questions. If you are not able to answer, then you are in trouble. Magnetic effect will soon hold the parts or the office will hold the parts. Thank you.
इसलिए फॉर्मूला लिखून घे ना तो समझू घया पहली गोष्ट हा चैप्टर प्योरली फॉर्मुला बेस्ड आहे तसं पाहायला हाउ टू अप्रोच तुम्हाला क्लियरली समजून जे करायचं काय करायचं पहिली गोष्ट तुम्हाला सगळे फॉर्मुला सांगितले दुसरा काही कॉन्सेप्ट सांगितले जसं करंट इलेक्ट्रिसिटी मध्ये तुम्हाला थोडस नेटवर्कची प्रॅक्टिस करावी लागेल काही कॉन्सेप्ट माहिती पाहिजे बस एवढं सोडलं तर करंट इलेक्ट्रिसिटी सोपं याच्यामध्ये काय करायचं just look at the order in which we are going aur kab kaun sa formula use karna hai itna bhi samajh mein hai 80% of the 90% of the problems to solve and few concepts here and sarvat pehle tumhala you must understand what this chapter is about magnetic effect of electric current isko naav vastav aani tacha sodo de magnetic effect mein current ne produce kiya gaya magnetic field उसके बारे में ही चर्चा है करंट अनेक चीजें करता है उसमें से एक चीज वो करता है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है आल्सो करंट कैन प्रोड्यूस हीट दैट वी आर नॉट स्टडी राइट तो करंट से अनेक रिजल्ट असतात त्यापैकी काय रिजल्ट आपण शिकणार आहोत त्याच्यामध्ये काय शिकणार आहोत पहिली गोष्ट म्हणजे करंट पास केल्याने मॅग्नेटिक फील्ड तयार होते तर वेगवेगळे कंडक्टर्स आहेत तर टू कन्सिडर डिफरेंट कंडक्टर्स स्ट्रेट कंडक्टर सर्क्युलर कंडक्टर यस सो दीज आर द टू कंडक्टर्स वी आर गोइंग टू कंसीडर स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर फाइनाइट कंडक्टर एज वेल फॉर एंट्रेंस इनफाइनाइट कंडक्टर घ्यायला येतो बोर्डला आणि फाइनाइट कंडक्टर कॅन कम इन चेन तर बेसिकली वी कन्सिडरिंग टू कंडक्टर्स circular conductor and infinitely long straight conductor and straight conductor of finite length hyachyamule produce keleli magnetic field at a distance r we are going to find out magnetic field produced by current carrying conductor these are the two conductors mag hyachyamule kay sarvat pahile there is a straight sarvat sabse pehle magnetic field produced by conductor sikhne wale hum log b ka तो v बार के फार्मूला निकालने वाले हैं नॉट इज v बार मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फ्लक्स डेंसिटी एवरीथिंग इज v बार e बार क्या करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑन चार्जेस खूप सारे चार्जेस इकडे आहेत त्याच्यामुळे इलेक्ट्रिक फील्ड इकडे काय असेल तर दैट इज e बार उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड की ताकत को इंडिकेट करने वाला क्वांटिटी है बी बार इट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इंडक्शन मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी प्लस डेंसिटी सब एक ही चीज है इसको बोला जाता है मैग्नेटिक इंडक्शन दिस गिव्स यू द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड नाउ सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो एट अ डिस्टेंस आर ये बताने वाला सबसे पहला फॉर्मूला था बायर्स का सर्वात पहले बायर्स ने सांगितलं कि छोटा सा कंडक्टर असेल छोटा सा डीएल डीएल का मतलब समझते हो 100 सेंटीमीटर में एक है डीएल दैट इज द आइडिया ऑफ डीएल 100 सेंटीमीटर में एक है 100 सेंटीमीटर में 1 mm का कंडक्टर कंसीडर कीजिएगा इसकी लेंथ को dl से मैं इंडिकेट करता हूं इसमें से करंट i देन इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट p व्हिच इज एट अ डिस्टेंस r व्हाई आई एम डिनोटिंग मैग्नेटिक फील्ड बाय डिग्री स्मॉल The magnetic field produced by a small conductor is equal to mu 0 upon 4 pi I dl sin theta upon r square. R is the distance of the point. The I is the current. Dl is the length of the current. Bayer-Schwartz law is applicable to only chota conductor. बड़े कंडक्टर को ये एप्लीकेबल है क्या नहीं तो ये सबसे पहला लॉ है और इस लॉ के ऊपर बेस बाकी सारे डेरिवेशंस किए गए
ये लॉ एक थ्योरेटिकल लॉ मतलब क्या सॉरी ये लॉ एक प्रैक्टिकली डिड्यूस किया हुआ लॉ मतलब उसने एक्सपेरिमेंट्स किए 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 और उसने ये पता किया ये रिलेशन कहाँ से आया प्रैक्टिकल फिर इस रिलेशन का इस्तेमाल करके हम लोगों ने क्या किया कंसीडर अ सर्कुलर कंडक्टर देन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द एंटायर कंडक्टर एट द सेंटर ये निकालने के लिए हम लोगों ने भारत सावर्ट लॉ का इस्तेमाल किया अच्छा मालिक साहब हाँ जो सर्कुलर कंडक्टर है हम मैग्नेटिक फील्ड कूड़े कूड़े प्रोड्यूस करेंगे तो सेंटर का करेगा इथे इथे मैग्नेटिक फील्ड कूड़ पर नस्ते लेकिन हम लोग सेंटर का ही क्यों निकालते हैं it is something that is symmetric. अपने को आसानी से निकल जाता है वो point. It is a symmetric point. So we can do the maths easily. That's why we are going to find out magnetic field at the center. And he's right. It is maximum at the center. So consider an entire conductor, circular conductor, magnetic field B bar produced at the center. Yes, sir. Now, magnetic field produced at the center of a circular current carrying conductor. Circular conductor आएगा, होगा नहीं? ये जो current आया है ना, तो B bar at the center था. समझ रहा था इमरजेंसी ना फुल स्कोप है
इवन मला तरी ठरवणार तुम्हाला इतके वाईट प्रश्न देतील ना ते तुम्हाला कळणार. पवन खाली आहे मग तो राईज होतो वगैरे वगैरे वगैरे. प्रेशर आतमध्ये किती बाहेर किती सगळे खोटे. तर आता तुम्ही मला सांगा राईट हँड थंब रूल्स आहेत. होल्ड द कंडक्टर विथ युअर राईट हँड. The thumb should be in the direction of current. The fingers will indicate the direction of V bar. आता V bar कुठे कॉल होतो तुमचा? आत मध्ये. अंदर जा रहा है ना V bar. आ V bar अंदर जा रहा है. तो V bar अंदर जा रहा है मतलब magnetic field line इस चेहरे के अंदर जा रहा है. ये चेहरा south होगा. अजून का तुम्हाला एक पण माहिती नव्हतं काय माहिती नाही तुम्हाला अजून पण नाही शिकवत. मी बार ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड साउथ. मी बार ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड इन साउथ. अगर फ्लक्स लाइंस बाहर निकल रहे हैं तो इट इज नॉर्थ. अगर फ्लक्स लाइंस अंदर जा रहे हैं तो इट इज साउथ. तो इसके अंदर फ्लक्स लाइंस घुस रहे हैं तो ये साउथ. दिस इज अ क्लॉकवाइज करंट. सो क्लॉकवाइज मींस साउथ चेहरा है. So, B bar at the center of the coil, khatam. This circular coil produces B bar everywhere. Because the flux lines are entering over here, this place is south, that place is north. Can I say magnetic? A current carrying loop is actually a magnetic dipole, matlab hi magnet. Yache mane don poles ahet ki nahi? Can I say it is a magnetic dipole? Ye south hai, north hai. Ab yahi यही करंट में उल्टा कर देता हूं. व्हाट विल हैपन? आई एम होल्डिंग दिस एंड द फिंगर्स आर कमिंग आउट ऑफ द लूप. सो द फ्लक्स लाइंस आर कमिंग आउट ऑफ द लूप. द बी बार इज इन दिस डायरेक्शन. सो दिस बिकम्स नॉर्थ. सो करंट इज एंटी क्लॉकवाइज. दिस इज नॉर्थ. उल्टा साउथ. दिस ओनली गिव्स यू द मैग्नीट्यूड. द डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. इट्स अ प्रोसेस काम करायचं कारण की अशा प्रकारचे सम्स येतील. याच्यामध्ये एक करंट आहे याच्यामध्ये एक करंट. याच्यामध्ये करंट इकडे याच्यामध्ये करंट इकडे. मधोमध बी बार कुठल्या दिशेला असेल तर याच्यामुळे बी बार कुठल्या दिशेला असेल याच्यामुळे बी बार कुठल्या दिशेला असेल दोघांची दिशा काढायची आणि वेक्टर ऍडिशन करायचं. तर म्हणून तुम्हाला दिशा येणं माइन्यूटली खूप गरजेचं आहे. मी तुम्हाला डिटेल्स दिलेले आहेत. तुम्ही थोडस अजून डिटेल्स मध्ये जायचंय. चल नाउ कन्सिडर द करंट कॅरिंग कंडक्टर सर्क्युलर. B bar produced at an axial point is given by mu 0 I a square upon 2 a square plus x square raised to 3 by where a is the radius. It is n right. आपको क्वेश्चन दे दो पढ़ा लाती हूँ शक्त. ये चाहे मधे तुम्हाला जा हवा से तर जर रेडियस इग्नोर करायचा असेल तर करू शकता. टिप दिलेली आहे. इफ यू ए रेडियस इज नॉट गिवन यू कैन इग्नोर इट इन दिस केस. किंवा एक रेडियस मला कॅल्क्युलेशन का प्रॉब्लेम येत असेल 3/2 रेडियस दिलेला आहे पण कॅल्क्युलेशन ला प्रॉब्लेम येत असेल 3/2 हा ए स्क्वेअर काउंट आता एक्स स्क्वेअर चा वापर करतो. क्या बोल रहा हूं मैं? अगर रेडियस दिया है और कैलकुलेशन के लिए प्रॉब्लम आ रहा है तो ये रेडियस a स्क्वायर को निग्लेक्ट करो. कैसे निग्लेक्ट करेंगे? a स्क्वायर इज मच मच लेस देन x स्क्वायर सो a स्क्वायर कैन बी निग्लेक्टेड. ये पंडा लगा सकते हैं. ठीक है तो x क्यूब हो जाए mu 0 n I स्क्वायर अपॉन x क्यूब बाय 2x ये. अब मुझे एक बात बताओ if the arrow the formulas I which is a number say I have circular loop. I have circular loop. Current kya dishe hai? Y is current kya dishe hai? Right. So B bar at this point, this is an axial point. B bar yahan pe kis direction mein ho? This is which current? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसा जा रहा है ना?
याच्या पेक्षा हे काम करा ना, कारण असं चाललंय ना ऊपर जा रहे ना, कारण ऊपर फिंगर्स किधर जा रहे हैं, अंदर अंदर जा रहे हैं, ये साउथ है, ये साउथ है ना। तो आप मुझे बताओ किस प्लेस पे, किस जगह पे, की बात किस दिशा में हो, टुवर्ड्स द लूप। आता हे कसं काढलेलं आहे बघा, जरा तुमची जरा बुद्धी झोपलेली असेल तर पॉझिटिव्ह चार्ज असतो तर ही बार नेहमी अवे फक्त चार्ज असतो, नेगेटिव्ह चार्ज असतो तर ही बार इज ऑलवेज टुवर्ड्स द चार्ज, ओके नी ना। तर अगर ये चेहरा साउथ है तो यहाँ पे ही बार इस तरफ आए, साउथ इज नेगेटिव, नॉर्थ इज पॉजिटिव। अगर ये चेहरा नॉर्थ आ गया पॉजिटिव तो ही बार इस तरफ आए, खत्म। तर करंट की डायरेक्शन ही, दिस विल बिकम साउथ, द बी बार एट दिस पॉइंट विल बी टुवर्ड्स द लूप इस डायरेक्शन। ये थोड़ा समझने की कोशिश करो, अगर सो जाओगे तो ये बेसिक्स जो मैं पढ़ा रहा हूं तुम नहीं समझ पाएंगे, फिर मग यार लेक्चर समझेना तुम्हें बगना, अरे ये डायरेक्शन कहां से आया, अच्छा बाकी सब तो समझ में आ, लेकिन वो डायरेक्शन कहां से आया, एरो किधर से आया, एनालिटिकल पार्ट दे दो, ये एरो इधर किधर से आ गया, ये तुम्ही गंडू कर दो, वेट मग पुढचं तुम्हाला कळते, कारण की बोर्डवर लिहिलेलं कळतं, पण आधी जे अझम्पशन्स केले, डेटा इंटरप्रिटेशन आहे तिथे तुम्ही फार सपाट असतात, डेटा इंटरप्रिटेशन जर तुम्हाला जमलं ना तर बाकीचं पुढचं सगळं पुस्तकात बघून सोडू शकत। अगर ये साउथ है तो ये नॉर्थ है, अगर यहाँ पे बीबार पकड़ा तो बीबार किस डायरेक्शन में होगा, अवे। ये थोड़ा करायला शिका, चल माझं सांगून झालेला। आता पुढे बीबार ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कॅरिंग कंडक्टर इन्फिनिटली लॉन्ग, याच्या पहिले याच्या सर्वात पहिले एम्पियर सर्किट लॉ कोणी सांगणार, गिव्ह द हेडिंग एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। हे 11वी थोडस स्लो आणि 12वी फक्त पटापट बोलणार आहे, 12वीचं थोडस तुम्ही पाहून घ्यायचं, त्याच्यामध्ये अनेक कॉन्सेप्ट्स आहेत। एम्पियर सर्किटल लॉ काय बोलतोय रे, नाही आता सर और एग्जाम में भी नहीं आएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत जिसका पूरा सिलेबस होगा अच्छे से बेसिक, उसको जरूर 180 एंड 200 के आसपास मार्क्स मिलेंगे, जिसका पूरा सिलेबस होगा 100 मार्क्स। इंटीग्रल बी बार डी एफ इज इक्वल टू म्यू जीरो आई, अब इसका मतलब समझो, कारण की याच्यावर प्रश्न करायचा। एक करंट कॅरिंग कंडक्टर, इट प्रोड्यूसेस बी बार एट ऑल द पॉइंट्स, कंसीडर अ पॉइंट पी, एनक्लोज द पॉइंट पी विद अ सर्क्युलर लूप और अ रेक्टेंगुलर लूप, बट इट हैज टू बी अ क्लोज लूप। ए आवाज नको लक्षात घ्या, करंट कॅरिंग कंडक्टर आहे, एक पॉइंट पी आहे, इथं बी बार प्रोड्यूस असेल की नसेल, पॉइंट पी ला बी बार असेल नसेल, बर इथं मला बी बार शोधायचा कुठे, पॉइंट पी कोणामुळे, कंडक्टर मुळे। तर सर्वात पहिली चीज द थिंग यू आर गोइंग टू डू इज एनक्लोज द पॉइंट विद अ सर्क्युलर लूप और अ क्लोज लूप, क्लोज लूप चा अर्थ कुठेही ओपन नको, रेक्टॅंगल इज अ क्लोज सर्फेस, क्लोज लूप, सर्कल इज अ क्लोज लूप, ओके। सो एनक्लोज द पॉइंट यूजिंग अ क्लोज लूप, इन दिस केस अ सर्कल, देन एम्पियर सर्किटल लॉ एकदम सिंपल लोअर लेवल लैंग्वेज में ये बोलता है कि बी बार एट दिस पॉइंट इनटू पाथ लेंथ,
into cos of angle between cos theta, where cos theta is the angle between V-bar and path, is equal to, what is it? Mu zero times current inside the path. Mu zero times the current enclosed by the path. V-bar is a multiplication with path length, is equal to mu zero n. Gauss theorem is there. Gauss theorem is there. If you want, if this is a charged body, you want to find out V-bar at this point, then enclose this point by a Gaussian surface. Then E-bar, EdS cos theta is equal to charge enclosed upon epsilon 0. तुम्हाला फक्त एप्सिलॉन 0 इकडे मी तो इकडे आणले हे तुम्हाला असं बरोबर ना एप्सिलॉन ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू तर फक्त तो एप्सिलॉन इकडे आणलेले आहे तर याचा अर्थ काय बेसिकली लोअर लेवल लँग्वेज मध्ये इफ देयर इज अ चार्ज बॉडी एंड यू वांट टू फाइंड आउट ई बार एट अ पॉइंट फर्स्ट एनक्लोज